गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुंदरलाल सैनी SN BEd कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। BEd फर्स्ट ईयर के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या के आर पार जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकेंड जो है वो अपनी चल रही है, उसमें मौखिक भाषा में मौखिक अभियोग्यता उस क्या होती है, उसका महत्व क्या है, क्या वो जो है उसकी उपयोगिता क्या है, लाभ क्या है, ये पिछले कक्षाओं में जो है पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा कक्षा कक्ष वार्तालाप में शिक्षक की भूमिका, यानी कक्षा कक्ष वार्तालाप क्या होता है, इसमें शिक्षक का क्या योगदान होता है, शिक्षक की क्या जो है भूमिका होती है, क्या एक तरह से शिक्षक इसमें अपनी भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले आता है कक्षा कक्ष वार्तालाप, यानी कक्षा कक्ष वार्तालाप जैसे पढ़ते ही अपने को एक आभास होता है कि कक्षा कक्ष वार्तालाप यानी कक्षा में बातचीत, कक्षा में वार्तालाप करना, संवाद करना। सीखने की प्रक्रिया में कक्षा कक्ष वार्तालाप का जो है विशेष महत्व है। विद्यार्थियों के परिवेश में जो है देखें तो व्यक्तियों और वस्तुओं के विषय में चर्चा करना अधिक लाभदायक होता है, जिससे धीरे धीरे इन वस्तुओं के विषय में जो है विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है। इसमें शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक शुद्ध भाषा में अपने भाव को कहना सीखें, यानी बालक जो है वो शुद्ध रूप में अपने विचार जो है प्रकट करे, अपने विचार जो है दूसरों के सामने रखे। एक शिक्षक को ये ध्यान में जो है रखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है बालक अपने विचार शुद्ध रूप में प्रकट करे। और दूसरी ओर शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए कि छात्रों को वस्तुओं की जानकारी भी जो है होती रहे। तो कक्षा कक्ष वार्तालाप यानी कि कक्षा में बातचीत करना, कक्षा में वार्तालाप करना, कोई भी विषय है, कोई भी जो है टॉपिक है उस पर जो है संवाद करना, उस पर वार्तालाप करना। अब आता है कि कक्षा कक्ष वार्तालाप की विशेषताएं। कक्षा कक्ष वार्तालाप की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है कि बोधगम्यता, यानी कि आदर्श वार्तालाप के लिए बोधगम्य भाषा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। अगला इसमें विशेषताओं में आता है स्पष्टता। वार्तालाप जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य होती है वह स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर अस्पष्टता व संदिग्ध यानी डाउटफुल जो है लैंग्वेज भाषा में नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो भी मान लो कि वार्तालाप हो रहा है, जो भी शिक्षक के द्वारा एक तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है वो बिल्कुल जो है स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो पहली विशेषता थी बोधगम्यता, दूसरी है स्पष्टता, तीसरी विशेषता आती है शिष्टाचार। मौखिक भाषा में शिष्टाचार का भी जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल जो है रखना आवश्यक है, ध्यान रखना आवश्यक है। बालकों को यह बताया जाए कि वे अपने से बड़ों से किस प्रकार से बातचीत करें, किस प्रकार जो है उनका आदर करना चाहिए, अपने से छोटे जो हैं उनका जो है किस प्रकार से ख्याल रखें, किस प्रकार उनको जो है स्नेह दें, अपने मित्रों से किस प्रकार से वार्तालाप करें। तो ये विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिष्टाचार जो है बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा ही जो है सिखाई जाती है। शिक्षक की बालकों के, बच्चों के, विद्यार्थियों के जो है एक तरह से संस्कार बोल दो, शिष्टाचार मान लो कि सिखाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को जो एक कच्ची पौध के समान होते हैं उनको जो है बच्चों अपने से छोटों के साथ किस प्रकार से बात करनी चाहिए, अपने जो मान लो कि फ्रेंड सर्कल है, मित्र हैं, उनके साथ किस प्रकार की जो है वार्तालाप, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़े हैं उनके साथ किस प्रकार से पेश आना चाहिए, ये सब जो है एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, सिखाना
आवश्यक है, सिखाया जाना चाहिए। अगली विशेषता आती है मधुरता या माधुर्य। आदर्श वार्तालाप की प्रमुख विशेषता है कि वह मधुर होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों और जो भी शिक्षक है उनके द्वारा जो उनके बीच में संवाद होता है, जो वार्तालाप होती है, वह काफ़ी अधिक मधुर मीठी होनी चाहिए। किसी प्रकार की कटुता जो है उसमें नहीं होनी चाहिए, उसकी मधुरता में आकर्षण जो है होना चाहिए। अगली विशेषता आती है प्रभाव उत्पादकता, यानी प्रभाव डालने वाली। जो भी वार्तालाप हो वो एक दूसरे पर जो है प्रभाव डाले, प्रभावशील होनी चाहिए। वार्तालाप प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। जनता के हृदय पर वे ही व्यक्ति अपना प्रभाव डाल पाते हैं जो अपने भाषण या बातचीत को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में जो है सफल होते हैं। अगली विशेषता आती है स्वाभाविकता। वार्तालाप करते समय बनावटी शब्दों से बचना चाहिए, बनावटी शब्दों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। वार्तालाप में बनावटी शब्दों का प्रयोग करना एक तरह से हंसी का पात्र या हास्यप्रद माना जाता है। तो अगली विशेषता है कि स्वाभाविकता होनी चाहिए। इसके बाद में अगली विशेषता आती है शुद्धता। वार्तालाप का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यानी कि वार्तालाप जब की जाती है विद्यार्थियों के मध्य जो है शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य, तो वह बिल्कुल जो है शुद्ध होनी चाहिए, उसमें शुद्धता का गुण होना चाहिए। वार्तालाप का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है विशेषताओं में सर्वमान्य। वार्तालाप में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो सभी को जो है आसानी से एक तरह से मान लो कि भाषा उच्चारित करने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से सभी जो है सभी को मान्य हो, उस भाषा का प्रयोग जो है वार्तालाप में करना चाहिए। कक्षा कक्ष वार्तालाप में होना चाहिए। वार्तालाप में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, प्रचलित शब्दों का प्रयोग वार्तालाप में जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये आज जो है अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।